सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ साथियों हिंदी साहित्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अंक 4। जी हाँ साथियों, इससे पहले 3 अंक वीडियो के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं और आज मैं लेकर के आया हूँ अंक 4। जी हाँ साथियों, इस अंक 4 में मैंने विशेष रूप से आदिकाल को ही रखा है, यानी कि आदिकाल से मैंने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है साथियों। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आदिकाल के बहुत जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो निश्चित रूप से आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि कई परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी और अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हाँ साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको भी 5 सेकेंड का समय दूंगा, ताकि आप भी जो प्रश्न है उसके उत्तर को अच्छे से देख सकें और साथ ही आप भी अनुमान लगा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विद्वान अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं? जी हाँ साथियों, 4 विद्वानों के नाम है, इनमें से एक विद्वान हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं, बाकी 3 विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांग करते हैं। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात करें तो इन्होंने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है, और यहाँ तक कि सबसे पहले जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही माना। राहुल सांकृतयन जी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते साथियों। तो साथियों, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से सन 1917 में संपादन प्रकाशन किसने किया? राहुल सांकृतयन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हर प्रसाद शास्त्री। तो साथियों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो सिद्ध हैं, सिद्धों के चर्या गीत और जो दोहा कोश है, इनको लेकर के सन 1917 ईस्वी में बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन किया था, प्रकाशन किया था। तो सही जवाब है हर प्रसाद शास्त्री। जी हाँ साथियों, हर प्रसाद शास्त्री जी ने ही बौद्ध गान और दोहा नाम से 1917 में सिद्धों के चर्या गीत और दोहा कोश का संपादन किया, प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, सिद्धों के पंचमकार में कौन सा सही है? जी हाँ साथियों, सिद्धों के जो पंचमकार थे, इनमें से कौन सा सही है? मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, महाकाल। मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, महाकाल। मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, आप भी सोचिए कौन सा जवाब सही है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिद्धों के पंचमकार में जो सही है वो है विकल्प 3। जी हाँ साथियों, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये सिद्धों के पंचमकार है, इनका पालन वो करते थे। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने किया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सिद्धों के महासुखवाद का अर्थ है? जी हाँ साथियों, महासुखवाद जो है, सिद्ध महासुखवाद के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर जोर देते थे, तो सिद्धों का ये जो महासुखवाद है, इसका अर्थ क्या है? संभोग की चरम परिणति, सुख की चरम परिणति, धन की चरम परिणति या बल की चरम परिणति? जी हाँ साथियों, आप भी सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है, कि जो सिद्ध है महासुखवाद के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर जोर देते हैं, तो ये महासुखवाद जो है, इसका अर्थ क्या है? साथियों, यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प
संभोग की चरम परिणति। जो सिद्ध हैं उनका जो महासुखवाद है उसका सही अर्थ है संभोग की चरम परिणति। संभोग की जो चरम परिणति है, अंतिम सीमा है, उसे ही सिद्ध महासुखवाद मानते हैं और इसी के आधार पर ईश्वरत्व की प्राप्ति पर जोर देते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किसने किया? जी हाँ साथियों, जैसा कि महासुखवाद अभी हमने पढ़ा, जो सिद्ध है, महासुखवाद सिद्धों से संबंधित है, तो महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किसने किया? सिद्धों ने, नाथों ने, जैनियों ने, सगुण पंथियों ने। कौन सा जवाब सही है, कौन सा सही है चारों विकल्पों में से? साथियों आप भी यहाँ पर अनुमान लगाइए। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो सिद्ध थे, सिद्धों ने महासुखवाद को ही ईश्वर प्राप्ति का आधार माना, लेकिन सिद्धों के इस महासुखवाद का विरोध करके योग का समर्थन जो किया वो है नाथ। अर्थात नाथों ने सिद्धों के महासुखवाद का विरोध किया और महासुखवाद की जगह उन्होंने योग का समर्थन किया, योग साधना का उन्होंने समर्थन किया। क्योंकि जो नाथ थे वह संयम और सदाचार पर बल देते थे, इसलिए इन्होंने योग का या योग साधना का, सहज साधना का इन्होंने समर्थन किया। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन से सिद्ध नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे? जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए संकलित किए हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सिद्ध हैं जो नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे, अर्थात छात्र भी रहे और अध्यापक भी वो रहे हुए हैं नालंदा में। शिक्षा का जो केंद्र था नालंदा, उसमें छात्र भी थे और अध्यापक भी थे, सरहप्पा, शबरप्पा, डोम्बीपा और कणप्पा। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सरहप्पा है, जी हाँ साथियों, सरहप्पा इसका सही जवाब है। सरहप्पा जो सिद्ध थे और प्रथम सिद्ध जो थे नालंदा में, ये छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। जी हाँ साथियों, सरहप्पा जिनका समय है 8वीं शताब्दी। साथियों ये भी प्रश्न बन सकता है कि सरहप्पा का समय कौन सा है, तो आप यहाँ पर ये भी विशेष रूप से ध्यान दे लें कि जो सरहप्पा है उसका समय है 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी में जो सरहप्पा थे, जो हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, तो सरहप्पा ही नालंदा में छात्र भी रहे हुए हैं और साथ ही वहाँ पर अध्यापक भी रहे हुए हैं। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृतायन जी ने किसके लिए कहा कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे? जी हाँ साथियों, राहुल सांकृतायन जी ने किसके लिए कहा कि वे, अर्थात वे विद्वान पांडित्य और कविताओं में बेजोड़ थे? सरहप्पा, कणप्पा, शंभु, गोरखनाथ। जी हाँ साथियों, किसके लिए कहा, आप भी अनुमान लगाइए साथियों उसका सही जवाब क्या हो सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल सांकृतायन जी ने जो कणप्पा है, जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब होगा कणप्पा। कणप्पा के लिए कहा कि वे पांडित्य और कविताओं में बेजोड़ थे। कणप्पा साथियों सिद्ध थे और कणप्पा के लिए ही राहुल सांकृतायन जी ने कहा है कि वे पांडित्य और कविताओं में बेजोड़ थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा साथियों कणप्पा। चलिए बढ़ते हैं आगे साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से समझना है आपको, साथ ही जो एक एक विकल्प है उसको भी ध्यान से पढ़ना है। चर्या पदों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ साथियों, चर्या पदों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है? दोहा कोशों के साथ साथ बोध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की। यह एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते हैं। चर्या पदों में मतों का खंडन मंडन होता है, तो दोहों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना होती है। यह चर्याएं संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखी जाती है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। जी हाँ साथियों,
यह चर्याएँ संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखी जाती है जिनके दोहरे यानी कि दो दो अर्थ होते हैं। तो साथियों चार विकल्प है, चारों विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है अर्थात गलत है चर्या पदों के संबंध में। साथियों आप भी अनुमान लगाइए कौन सा सवाल कौन सा जवाब है जो सही है। जी हाँ साथियों, चर्या पदों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं अर्थात इनमें से ये जो चार विकल्प है, चार विकल्प में से तीन सही है और एक गलत है चर्या पदों के संबंध में। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है, ये बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं, इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते हैं। साथियों ये भी सही है, चर्या पदों में मतों का खंडन मंडन होता है तो दोहों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना होती है। साथियों ये यहाँ पर गलत है, यह चर्याए संध्या भाषा की दृष्टिकूट पदों में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। साथियों ये भी सही है, चौथा विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला सही है। साथियों तीसरा जो विकल्प है ये हमारा गलत है। तीसरा विकल्प गलत कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चर्या पद हैं इनमें मतों का खंडन मंडन नहीं होता है बल्कि दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है। जी हाँ साथियों यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ चर्या पदों की जगह दोहा होना चाहिए था और दोहों की जगह चर्या पद होना चाहिए था। कहने का तात्पर्य है कि दोहों में खंडन मंडन होता है जबकि चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना होती है। जी हाँ साथियों, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, इससे जो चर्या पद से संबंधित जो प्रश्न जो भी बन सकते हैं सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। साथियों कि जो चर्या पद है उनमें मतों का खंडन मंडन होता है ये गलत है, क्योंकि मतों का खंडन मंडन दोहों में होता है जबकि सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना चर्या पदों में व्यक्त होती है। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा साथियों कि जो दोहे हैं जिन दोहों की रचना सिद्धों ने की है तो दोहों की रचना परिनिष्ठित अभ्रंश में की है। साथियों सिद्धों ने दोहों की रचना परिनिष्ठित अभ्रंश में की है और चर्या पदों की रचना अवहट में की है। साथियों चर्या पदों की रचना अवहट में की है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए कि सिद्धों ने अपने दोहों की रचनाएँ परिनिष्ठित अभ्रंश में की है जबकि चर्या पदों की रचना अवहट में की है। इस तरीके से साथियों यहाँ पर ये जो प्रश्न है चर्या पदों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका जवाब होगा अर्थात ये वाला जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे, सिद्धों की संख्या मानी गई है। जी हाँ साथियों सिद्ध कितने माने गए हैं, 80, 82, 84, 108। साथियों बहुत सरल प्रश्न है ये, आपको आना चाहिए। सिद्धों की संख्या साथियों मानी गई है 84। जी हाँ साथियों 84 इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, सिद्धों की भाषा कहलाती है। जी हाँ साथियों जो सिद्ध हैं सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है, सद्धुकड़ी, संध्या, अवहट, अभ्रंश। साथियों अनुमान लगाइए आप भी कि इस सवाल का जवाब सही जवाब क्या है। साथियों यहाँ पर बताना चाहूँगा सिद्धों की भाषा संध्या कहलाती है। जी हाँ साथियों सिद्धों की जो भाषा है वह संध्या भाषा कहलाती है, तो इसका सही जवाब होगा संध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सिद्ध साहित्य जो है उसका विकास कहाँ हुआ अर्थात भारत के कौन से क्षेत्र में सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह बनता है साथियों। चलिए आप भी अनुमान लगाइए कि सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ पर हुआ। जी हाँ साथियों अच्छा प्रश्न बनता है, पूर्वी भारत, चार विकल्प हैं साथियों, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत। जी हाँ साथियों कहाँ पर सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, तो यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूँगा कि सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ। जी हाँ साथियों पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, बंगला, उड़ीसा और असम। जी हाँ साथियों बिहार, बंगला, उड़ीसा और असम, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ।
तो साथियों इसका सही जवाब होगा पूर्वी भारत, अर्थात सिद्ध साहित्य का विकास हुआ पूर्वी भारत। और पश्चिमी भारत की बात करें तो साथियों पश्चिम भारत में नाथ साहित्य का विकास हुआ है। जी हाँ साथियों इस तरीके से आप ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके क्लियर होते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। 84 सिद्धों में किसका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है? जी हाँ साथियों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा सिद्धों की संख्या 84 है, तो 84 सिद्धों में कौन से सिद्ध का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है? जी हाँ साथियों, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि अधिकांशतः जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना है लुईपा का। जी हाँ साथियों, वैसे तो सरहप्पा जो हैं वो प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, लेकिन अगर साधना में श्रेष्ठता की बात करें जैसा कि विद्वानों ने माना है तो लुईपा को ही विद्वानों ने सबसे ऊँचा माना है और सिद्धों में इनको प्रथम स्थान दिया है। जी हाँ साथियों, सिद्धों में इनको सबसे प्रथम या सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है क्योंकि इनकी साधना में जो है श्रेष्ठता कहीं ना कहीं अन्य सिद्धों की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है, इसलिए लुईपा को ही सिद्धों में 84 सिद्धों में प्रथम एवं सबसे ऊंचा माना जाता है। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, वह अपने युग के सबसे बड़े नेता थे? या साथियों, ये जो बात है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है ये किसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके लिए कहा है आप भी यहाँ पर थोड़ा अनुमान लगाइए। सरहप्पा, शंभू, गोरखनाथ, रामानंद। जी हाँ साथियों, अच्छा प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, वह अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो साथियों यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो बातें कही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कही है गोरखनाथ जी के लिए। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब होगा गोरखनाथ, जिन्होंने नाथपंथीय नाथ संप्रदाय की स्थापना की, वास्तविक स्थापना गोरखनाथ। जी हाँ साथियों, और जैसा कि आप सभी को पता है नाथों की संख्या है 9। जी हाँ साथियों, ये भी आप यहाँ पर क्लियर कर ले, नाथों की संख्या है 9 और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ, वास्तविक जो प्रवर्तक है वो गोरखनाथ को ही माना गया है। तो इनके ही बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बातें कही है। जी हाँ साथियों, सही जवाब है गोरखनाथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसने कहा कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती? जी हाँ साथियों, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ऐसा कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। जी हाँ साथियों, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और जो योगधारा है यह काव्य या साहित्य की कोई भी धारा नहीं मानी जा सकती है? जी हाँ साथियों, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथियों, इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं या सिद्ध और नाथ साहित्य हैं इनको साहित्य की कोटि में नहीं रखा है, अर्थात इनको साहित्य माना ही नहीं है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही सिद्धों और योगियों की रचनाओं के बारे में। तो इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रावकाचार रचना किस मत से संबंधित है? जी हाँ साथियों, अच्छा प्रश्न है। जो श्रावकाचार रचना है किस मत से संबंधित है? नाथ, सिद्ध, जैन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प इसका सही जवाब है। साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रावकाचार किसकी रचना है, तो मैं बता दूँ जो श्रावकाचार है यह देवसेन की रचना है। जी हाँ साथियों, देवसेन, और देवसेन जो है जैन कवि है। जी हाँ साथियों, जैन कवि। तो सीधी सी बात है कि श्रावकाचार देवसेन की रचना है तो निश्चित रूप से यह जैन संप्रदाय से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब है जैन। जी हाँ साथियों, जो श्रावकाचार है यह जैन मत से संबंधित रचना है और श्रावकाचार के जो रचयिता है वो हैं जैन कवि देवसेन। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो श्रावकाचार है यह हिंदी की प्रथम रचना
मानी जाती है। जी हाँ साथियों, हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है देवसेन का श्रावकाचार्य। भले ही हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है, लेकिन रचना की बात करें, ग्रंथ की बात करें, तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ या प्रथम रचना देवसेन का श्रावकाचार्य को माना गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसने कहा कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगी और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी, अर्थात योगी और तांत्रिकों की रचनाओं जैसी ही उनकी रचनाएं लगेगी। कौन से विद्वान ने ऐसा कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप भी अनुमान लगाएगा। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बात है ये कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जी साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर उनकी, अर्थात जो जैन कवि हैं उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे बिल्कुल योगी और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी, अर्थात वे उनके ही जैसी रचनाएँ लगेगी। अगला प्रश्न है साथियों, किस कवि ने अपने ग्रंथ में कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा? जी हाँ साथियों, सरहप्पा, शंभु, पुष्पदंत, देवसेन, कौन से कवि ने ऐसा कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा? साथियों आप अनुमान लगाइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि शंभु जैन कवि हैं, इन्होंने ऐसा कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है साथियों इस प्रश्न का शंभु। शंभु साथियों जैन कवि हैं और जैन कवि शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। बहुत विद्वान कवि हैं और ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने ये बात कही। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जैन कवि शंभु है, इन्होंने जो इनका ग्रंथ है शंभु का पौमचर्यु में इन्होंने कहा कि मैं पिंगल नहीं जानता और भामदंडी को भी मैंने नहीं पढ़ा है, इसके बाद भी मैं रचना कर रहा हूँ, मैं रचनाएं लिख रहा हूँ। तो इस संबंध में इन्होंने ऐसा कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा। तो इतने विद्वान कवि होते हुए भी इन्होंने ऐसा कहा तो इनका बड़प्पन है। साथियों मैं यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जो जैन कवि शंभु है, इनके द्वारा लिखा गया जो पौमचर्यु है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है और राम काव्य है, और जो पौमचर्यु इन्होंने लिखा है वो इनका अधूरा ग्रंथ है साथियों, और उसको, उस अधूरे ग्रंथ को पूरा किया शंभु के पुत्र त्रिभुवन ने। जी हाँ साथियों, शंभु का पुत्र जो था त्रिभुवन, उसने अपने पिता यानी कि शंभु के अधूरे ग्रंथ शंभु पौमचर्यु को पूरा किया त्रिभुवन ने। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, पुष्पदंत का समय है 8वीं शती, 9वीं शती, 10वीं शती, 11वीं शती। जी हाँ साथियों, जैन कवि पुष्पदंत ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत विद्वान कवि हैं, तो इनका समय क्या रहा है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो पुष्पदंत है इनका समय है 10वीं शती, अर्थात 10वीं शताब्दी। जी हाँ साथियों, जैन कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और पुष्पदंत के बारे में मैं आपको बताऊं साथियों, ये स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। जी हाँ साथियों, जैन कवि पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु भी कहते थे। जी हाँ साथियों, और साथ ही इन्हें हिंदी अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, अपभ्रंश का भवभूति भी इनको कहा जाता है। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जैन कवि प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं? शंभु, पुष्पदंत, देवसेन, हेमचंद्र। जी हाँ साथियों, कौन से कवि हैं जो प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं? बहुत सरल प्रश्न है साथियों, आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर मैं बता दूं कि प्राकृत के पाणिनि जो है शंभु नहीं है, पुष्पदंत भी नहीं है, देवसेन की बात करें तो ये भी नहीं है। जी हाँ साथियों, हेमचंद्र इसका सही जवाब है। जी हाँ साथियों, प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं हेमचंद्र, जैन कवि हेमचंद्र ही प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं। और साथियों जो हेमचंद्र, इन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी है, प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण, सिद्ध हेम अनुशासन। जी हाँ साथियों, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है सिद्ध हेम अनुशासन, ये इनकी साथियों व्याकरण है, प्राकृत और अपभ्रंश का
व्याकरण है, सिद्ध हेम अनुशासन, इसीलिए इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, पुष्पदंत के महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? यह साथियों, जैन कवि पुष्पदंत हैं, उनके ग्रंथ महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? 61, 63, 69, 101। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुमान लगाइए कौन सा इसका सही जवाब है। साथियों यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो पुष्पदंत हैं, जैन कवि पुष्पदंत, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा महापुराण, इसमें इन्होंने कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब है 63। जी हाँ साथियों, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ महापुराण में किया है। और साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुष्पदंत का महापुराण ग्रंथ है, पुस्तक है, इसका अन्य एक और नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। जी हाँ साथियों, इसीलिए इसका एक और अलग नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। जी हाँ साथियों, गुणालंकार इस तरीके से इसका एक और नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार, और उसे ही यानी कि 63 महापुरुष गुणालंकार जो रचना है उसे ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा 63। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं? साथियों चार विकल्प है, चार में से तीन विकल्प जो तीन नाम जो है वो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति या एक विद्वान है इनमें जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। साथियों अनुमान लगाइए आप कौन सा इसका सही जवाब है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। मिश्र बंधु की बात करें तो ये भी प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। श्याम सुंदर दास की बात करें तो ये भी प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। श्यामल दास प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। जी हाँ साथियों, जो श्यामल दास हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा श्यामल दास। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वीराज रासो है इसे प्रोफेसर वुल्लर, श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जीएच ओझा यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये जो विद्वान हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, अप्रामाणिक यानी कि जाली ग्रंथ मानते हैं। और यहाँ पर जो तीन विद्वानों के नाम दिखाई दे रहे हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, ये तीनों ही पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। जी हाँ साथियों, ये प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, बाकी यहाँ पर जो श्यामल दास है ये प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को नहीं मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप देखिए विशेष रूप से। 12 बरस लो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, ये पंक्तियाँ किसकी है? चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनीक, विद्यापति। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो पंक्तियाँ है ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ है साथियों, तो ये पंक्तियाँ किसकी है? अनुमान लगाइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 बरस लो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्तियाँ साथियों जगनी कवि की। जी हाँ साथियों, जगनी कवि जिन्होंने परमाल रासो लिखा, जी हाँ साथियों, जगनी कवि जिन्होंने परमाल रासो लिखा, तो परमाल रासो में जो आला उदल यानी कि आला का जो मूल रूप है वही परमाल रासो है, और इसके कवि हैं, रचयिता हैं जगनीक। तो साथियों जगनीक हैं, उन्हीं की ये पंक्तियाँ है कि 12 बरस लो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, ये पंक्तियाँ है जगनीक की, और रचना का नाम है परमाल रासो। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा, शंभु, विद्यापति, अब्दुल रहमान। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। जी हाँ साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बात करें तो हिंदी का पहला कवि जो उन्होंने माना है वो है अब्दुल रहमान। जी हाँ साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान को माना है, जिनकी रचना है संदेश राशक। जी हाँ साथियों, संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है, और अब्दुल रहमान को ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। बढ़ते हैं साथियों आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? जी हाँ साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि
इसे माना है सरहप्पा शंभु चंद्रवरदाई विद्यापति। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र जो शुक्ल हैं उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है चंद्रवरदाई जी को। जी हाँ साथियों, चंद्रवरदाई जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज रासो जो है साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। जी हाँ साथियों, जैसा कि प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो उसका सही जवाब होगा चंद्रवरदाई। और इसी तरह चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग या अध्याय हैं। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई जी का, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है, तो कितने समय अर्थात समय यहाँ पर सर्ग और अध्याय के लिए साथियों, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ हैं इसमें सर्ग या अध्याय के लिए समय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कितने सर्ग या अध्याय हैं समय हैं इसमें, 60, 63, 69, 72। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं अर्थात 69 सर्ग या अध्याय है। जी हाँ साथियों, और पृथ्वीराज रासो जैसा कि हिंदी का महाकाव्य है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और पृथ्वीराज रासो में साथियों मैं बताऊं कि 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। जी हाँ साथियों, 68 छंदों का प्रयोग भी इस महाकाव्य में किया गया है, और साथ ही इस महाकाव्य में समय यानी कि सर्ग और अध्याय कितने हैं, 69 यानी 69। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है। जी हाँ साथियों, हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की जो परंपरा है, श्रृंगारिक परंपरा है, इसका आरंभ कौन सी कृति से होता है। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, पदावली, राहुल वेल। साथियों अनुमान कीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगारिक जो परंपरा है उसका आरंभ होता है राहुल वेल से। जी हाँ साथियों, रोड़ा की राहुल वेल, राहुल वेल जो रचना है इसके रचयिता हैं रोड़ा, रोड़ा कवि है साथियों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रोड़ा है और इनकी कृति है राहुल वेल। जी हाँ साथियों, तो जो राहुल वेल है ये शिलांकित कृति है। जी हाँ साथियों, रोड़ा की राहुल वेल एक शिलांकित कृति है साथियों, इसको आप विशेष रूप से देखिएगा कि जो रोड़ा की जो राहुल वेल है ये एक शिलांकित कृति है साथियों। और साथ ही जो राहुल वेल कृति है यह हिंदी में गद्य और पद्य मिश्रित जो चंपू काव्य है उसकी प्राचीनतम कृति है। जी हाँ साथियों, हिंदी साहित्य में गद्य पद्य की मिश्रित जो चंपू काव्य है उसकी यह सबसे प्राचीन कृति है या ग्रंथ है, काव्य है। जी हाँ साथियों, इस तरीके से इसका सही जवाब होगा यहाँ पर राहुल वेल, यानी कि हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की जो श्रृंगारिक परंपरा है इसका आरंभ होता है रोड़ा कवि की राहुल वेल कृति से, और राहुल वेल एक शिलांकित कृति है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन का प्रयोग हुआ। जी हाँ साथियों, हिंदी काव्य में सबसे पहले बारहमासा जो वर्णन है इसका प्रयोग कौन से ग्रंथ में, कौन से काव्य में हुआ। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, कीर्तिलता, पदावली। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि बारहमासा का वर्णन हिंदी साहित्य में हमें कई जगह देखने को मिलता है, तो इसकी शुरुआत की यदि बात करें हिंदी काव्य में, हिंदी साहित्य में, तो साथियों सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ बीसल देव रासो में। जी हाँ साथियों, बीसल देव रासो नरपति नाला का जो ग्रंथ है, नरपति नाला। जी हाँ साथियों, तो बीसल देव रासो में ही सबसे पहले साथियों, बीसल देव रासो में ही सबसे पहले बारहमासा वर्णन का प्रयोग हुआ है। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि बीसल देव रासो जो है रासो ग्रंथों में यह ऐसा ग्रंथ है, ऐसा काव्य है जिसमें प्रमुख रस श्रृंगार है, क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है कि जो रासो ग्रंथ है, रासो काव्य है, उनका प्रमुख रस जो है वीर रस होता है, लेकिन जो बीसल देव रासो है यह पूरी तरह एक मतलब श्रृंगारिक काव्य है, विरह काव्य है, गेय काव्य है साथियों। तो इस तरीके से बीसल देव रासो का प्रमुख रस की यदि बात करें तो श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस है, बाकी अन्य रस जो है वो इसमें गौण है। तो साथियों इस तरीके से बारहमासा का वर्णन का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी काव्य में बीसल देव रासो में हमें मिलता है, शुरुआत यहाँ से
होती है। प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। जी हाँ साथियों, डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है साथियों, आप भी अनुमान लगाइए कौन इसका सही जवाब है। चार विकल्प है साथियों हमारे सामने, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है, तो वो है साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग बताया है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? जी हाँ साथियों, जैसा कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन से विद्वान हैं जिन्होंने राजसूय यानी कि जो राजसूय यज्ञ पहले होते थे उस राजसूय यज्ञ से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, गारसा दत्तासी, जॉर्ज गिरियर्सन। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है आप भी अनुमान लगाइएगा। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है गारसाद तासी ने। जी हाँ साथियों, जो गारसाद तासी थे जिन्होंने हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, तो गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। जी हाँ साथियों, और आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है साथियों, और जो राजसूय शब्द है इससे रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है गारसाद तासी ने। तो यहाँ पर हमारे सवाल का सही जवाब होगा गारसाद तासी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतिम सवाल है साथियों, किस कवि ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था? साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से कवि हैं जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण अपने जीवन काल में देखा? सरहप्पा, शंभू, विद्यापति, अमीर खुसरो। जी हाँ साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों अमीर खुसरो। जी हाँ साथियों, अमीर खुसरो जो थे आदिकाल के कवि, इन्होंने अपने जीवन काल में 11 राजाओं का आरोहण देखा यानी कि 11 राजाओं का काल इन्होंने अपने जीवन में देखा। अमीर खुसरो की बात है तो साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अमीर खुसरो हिंदी में खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। जी हाँ साथियों, खड़ी बोली के प्रथम कवि की यदि हम बात करें तो अमीर खुसरो ही हिंदी के खड़ी बोली के जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। जी हाँ साथियों, और इन्होंने आदिकाल में मनोरंजनकारी साहित्य लिखा। जी हाँ साथियों, तो अमीर खुसरो से जुड़ी हुई ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि अमीर खुसरो आदिकाल में मनोरंजनकारी साहित्य की रचना इन्होंने की, और साथ ही अमीर खुसरो ने अपने जीवन में 11 राजाओं का आरोहण देखा, और खड़ी बोली के प्रथम कवि भी अमीर खुसरो ही कहलाते हैं। तो साथियों ये था आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल पर विशेष संकलन। जी हाँ साथियों, 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन था आपके लिए, और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और विभिन्न परीक्षाओं में आपके ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। तो साथियों निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आने वाले और अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिल सके।